भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कन्हैया कुमार ने साधा बीजेपी पर निशाना, बीजेपी पर लगाया ध्रुवीकरण का आरोप। दिल्ली में देखी गई लाखों की भीड़। शनिवार 24 दिसंबर को कांग्रेस के कई नेता राहुल गांधी के साथ शामिल हुए, क्योंकि उनकी भारत जोड़ो यात्रा ने राष्ट्र राजधानी में प्रवेश किया। तमाम नेताओं जिनसे बात की गई, उन्होंने दोहराया कि यात्रा का उद्देश्य आम लोगों के मुद्दों जैसे बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को उठाना है और रूलिंग पार्टी बीजेपी की धर्म और नफरत की राजनीति के खिलाफ देश को एकजुट करना है। हमारा उद्देश्य देश में सकारात्मक राजनीति लाना है। सकारात्मक राजनीति से किसी भी पार्टी की जीत हो, जनता को फायदा ही होगा। महंगाई हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो, महिलाओं के मुद्दे हो, किसान हो, कृषि हो या बॉर्डर सिक्योरिटी, पॉजिटिव पॉलिटिक्स से सभी को लाभ होगा। रूलिंग पार्टी पर देश के ध्रुवीकरण की कोशिश का आरोप लगाते हुए कन्हैया कुमार ने कहा, जब राहुल गांधी चर्च या मस्जिद जाते हैं तो बीजेपी को कोई समस्या नहीं होती। वे जिस भी पूजा स्थल पर जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। क्या देश के मंदिरों पर बीजेपी का कोई पेटेंट है? यहां तक कि वे उन नियमों और रीति रिवाजों की ओर इशारा करते हैं जिनका वे पालन करते हैं। पवित्र घूंघट ठीक से पहना गया है या नहीं, ये सब उन्हीं की ओर से आता है जो एक गुफा में ध्यान करने का नाटक करते हैं। कन्हैया कुमार ने कोविड पर भी जवाब दिया। बीजेपी पर यात्रा को रोकने के बहाने कोविड का उपयोग करने का आरोप लगाते हुए कुमार ने पूछा कि डेल्टा वेरिएंट लहर के दौरान बीजेपी द्वारा प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा, अब जब मुख्यमंत्रियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग हो रही है तो उन्होंने मास्क क्यों पहना था? क्या वे हमें मूर्ख समझते हैं? उन्हें ये समझने की जरूरत है कि कोविड कोई बहाना नहीं है बल्कि एक वास्तविक बीमारी है। युवा नेता कन्हैया कुमार ने राहुल गांधी को निशाने पर लेने के लिए रूलिंग पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, वे 8 साल से सत्ता में हैं, लेकिन अभी भी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे वे विपक्ष में हैं। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के दाखिल होने के साथ हजारों की संख्या लाखों की भीड़ में तब्दील हो गई है। भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली चरण की समाप्ति तक हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। आपको बता दें कि सरकार की ओर से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान रखने की बात कही गई थी। यहां तमाम नेता यही सवाल उठा रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के वक्त ही बीजेपी को कोरोना की याद आई है। उस वक्त कहां था कोरोना प्रोटोकॉल जब हिमाचल प्रदेश, गुजरात और एमसीडी के चुनावों में भारी संख्या में रैलियां और जनसभाएं की जा रही थी जिसमें हजारों की संख्या में लोग जुटते थे। साथ ही सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को जनता का समर्थन मिल रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात से डर गई है? ये डर भी एक तरह से लाजमी है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को एक अच्छा खासा जन समर्थन मिला है। जिस भी राज्य से ये यात्रा होकर गुजरी है, यहाँ तक कि अन्य पार्टी के नेताओं ने भी इस यात्रा को समर्थन दिया है। वही इस खबर में आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं और देखते रहें ऑन ए भारत।